एनु जनजाति कहां पाई जाती है? अब तो करंट अफेयर का मन ही नहीं करता अब, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे पढ़ते हो करंट अफेयर को। करंट अफेयर का आपका या तो पढ़ने का तरीका देखो मेरे भाई सीधा गलत है। विशाल अग्नोत्री भैया जी, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पूरा पिछले 3 सालों से पढ़ा रहे हैं और आज तक बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं हुआ कि हम किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। इतना प्यारा सब्जेक्ट लगता है हमें करंट अफेयर्स। वो पता है, अगर आप एक IAS बनना चाहते हो, देश की सबसे बड़ी नौकरी लेना चाहते हो, आप PCS बनना चाहते हो, किसी राज्य के IPS ऑफिसर का मतलब पता है? IPS का मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज, PCS, IAS, PCS, कितनी पावर होती है इसके अंदर। और ये सिर्फ पता एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका करंट अफेयर्स, देश का सर्वोच्च पद, इससे ही लिया जाता है ना। तो अगर जिसको करंट अफेयर आती होगी ना, उसको देश दुनिया के बारे में सब कुछ पता होगा। वो व्यक्ति कभी भी, याद रखना, अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता जो करंट अफेयर को दिल से पढ़ता है। तो अपने अंदर जुनून जगाइए हमारे विशाल अग्नोत्री जी, और बाकी जो भी स्टूडेंट इस क्लास में है, सारे सारे के सारे अपने अंदर उस इंसान को पहचानो जो हम पहचान पा रहे हैं, आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। आप वो कर सकते हो जो दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। भगवान ने जब आपको पैदा किया था, जिस सांचे में डाला था वो सांचा तोड़ दिया था कि ताकि दोबारा ऐसा स्टूडेंट पैदा ना हो। आप सब यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो। ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से कल के लिए क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? वस्तु की अगर मात्रा हम लोग बदल दें तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो परिवर्तित नहीं होगी, इसको आप लोग अपरिवर्तित पढ़ते हो। तो ध्यान देना, आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उस वस्तु की मात्रा बदल दी जाए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लॉजिक